मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम राकेश एंड यू वॉचिंग आरके क्लासेस जमुई। आज का टॉपिक है आउट ऑफ टेंस का पीसी वॉइस। इसका पार्ट नंबर 4 वीडियो तक हम लोग देख लिए थे, आज हम लोग पार्ट 5 वीडियो देखने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए सर मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले सर, अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे और आप एक भी वीडियो को मिस ना कर पाओ। अगर आप फ्री में बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सर, मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और फ्री में जितने भी हम वीडियो डालते हैं उसको आप सारे देख सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। ठीक है सर, ये वीडियो को उन स्टूडेंटों तक पहुँचाइए जिसके पहुँच इंग्लिश तक नहीं है, ताकि वो भी इंग्लिश ग्रामर को सीख सकें और वो अपनी ज़िंदगी को सुधार सकें। तो आइए सर, देर किस बात की, आइए देखते हैं। देखिए पार्ट नंबर 5 होगा पैसिव वॉइस फॉर आउट ऑफ टेंस। आउट ऑफ टेंस का पार्ट नंबर 4 तक हम लोग देख लिए थे, पार्ट नंबर 5 आज हम लोग देखने वाले हैं। अच्छे से सीखेंगे सर आप, कॉपी कलम ले करके ऐसे नहीं आप बैठेंगे, कॉपी कलम ले करके अच्छे से आप सीखेंगे, अच्छे से नोट डाउन करेंगे। जैसे कि मैं एक एक करके लिखता हूँ उसी तरह आप सारे लिखेंगे तब आपको समझ आएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपको समझ आएगा, अगर बीच में छोड़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है सर, इस वीडियो को देख लेने के बाद इस तरह के सेंटेंस अगर आपसे भविष्य में पूछा जाएगा तो सारे आपसे बन जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। वही सर देखते हैं, देखिए आपके सुविधा अनुसार मैं आपको हिंदी लिख रखा हूँ। देख सकते हैं कि जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, देखिए सर जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस भी थ्री के जैसा अगर बनावट है, नहीं सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के जैसा अगर बनावट या स्ट्रक्चर आपको दिखे तो हम लोग उसको कैसे हम लोग उसको पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं उसका नियम हम लोग सीखेंगे। तो इसमें तीन रूल आएगा सर, रूल नंबर ए आएगा, रूल नंबर बी आएगा, रूल नंबर सी आएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रूल नंबर ए, इसमें आएगा अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव। कौन आएगा? अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव। तो देख लीजिए क्या है स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस है प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट। इसी स्ट्रक्चर के सहारे आपका इस तरह का सेंटेंस जो रहेगा आपको पैसिव में, आप पैसिव में उसको बदल सकते हैं। तो ये रहा सर इसका एग्जांपल, और सारे ये एक्टिव में लिखा हुआ है, मैं आपको लिख देता हूँ एक्टिव ACTIV, ये सारे एक्टिव में है और जो हम बनाएंगे वो पैसिव में होगा PASSIV। ठीक है, इसको बनाने के लिए सर आपको पता होगा सर, अगर आप मेरे से पहले से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बनता है पैसिव में जा करके, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनता है पैसिव में जा करके। ठीक है तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट आपको खोजना है कि आई शुड हैव अबाउट ए कार, ये द कार ए कार है, तो आई शुड हैव अबाउट ए कार आपका आई सब्जेक्ट है, इसमें आई सब्जेक्ट है, और मेन वर्ब के तुरंत बाद जो भी वर्ड आएगा आपका वो ऑब्जेक्ट होगा। तो अबाउट है इसका मेन वर्ब नहीं, तो इसके तुरंत बाद आपका ए कार आया है तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। और एक लगा यहाँ पे खोजेंगे तो यू शुड नॉट हैव लर्नड द कंप्यूटर, कौन, तो आप, यू सब्जेक्ट, और मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका आया है द कंप्यूटर, आपका द कंप्यूटर ऑब्जेक्ट है। उसी प्रकार सर मोहन इसमें सब्जेक्ट है, और शुड नॉट हैव सोल्ड, देखिए सोल्ड आपका मेन वर्ब है, तुरंत बाद आपको आया है द कार, तो द कार आपका ऑब्जेक्ट है। आइए सर लेट किस बात के, इसको हम लोग बनाते हैं। तो आपको सबसे पहले देना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कहाँ हुआ जरा क्या, देखिए सब्जेक्ट आपको देना है तो जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट रहता है वही सब्जेक्ट बनता है, तो एक कार, एक कार आप यहाँ पे लाएंगे एक कार, तो एक नंबर में बनाएंगे सर एक कार, क्या एक कार, एक कार सूट देना है आपको SHOULD सूट देना है आपको, सूट दिए सर। अगर नेगेटिव में स्ट्रक्चर रहेगा, अगर नेगेटिव में सेंटेंस रहेगा तब नोट को लगाएंगे, नहीं तो नोट को नहीं लगाएंगे। तो इसमें सर नेगेटिव नहीं है, नोट को मैं नहीं लगाया, उसके बाद हैव लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, उसके बाद आप बीन लगाएंगे BEEN बीन लगाए, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो जो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका पहले से दिया गया है आप उसी को उठा करके लिख दीजिए, तो बाउट होगा बाउट BOUGHT बाउट बाय, बाउट बाय नहीं आपका स्ट्रक्चर में दिया गया है, बाय दे देने के बाद आपका ऑब्जेक्ट खोज रहा है, तो ऑब्जेक्ट कौन होता है, जो एक्टिव में सब्जेक्ट रहता है ना, तो आई, आई का हो जाएगा मी, ऑब्जेक्टिव केस में आई का होता है मी,
आई का क्या हो जाएगा तो मी हो जाएगा। जब सेंटेंस एंड हो जाए तो उसके लास्ट में फुल स्टॉप एक जरूर देंगे, ए कार शुड हैव बीन बाउट बाय मी। कितना सिंपल है, आप उसको मेरे जैसा बना सकते हैं। ठीक है, बनाए पसंद। देखिए क्वेश्चन नंबर दो में आपको बताता हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर दो है, यू शुड नॉट हैव लर्नड द कंप्यूटर। द ऑब्जेक्ट आपका द कंप्यूटर है, उसको उठा के लाइए यहाँ पे, द कंप्यूटर, द कंप्यूटर, सी ओ एम पी यू टी ई आर, द कंप्यूटर। आप क्या लगेगा तो शुड लगेगा, आप स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे आपका सेंटेंस कभी नहीं गलत होगा। शुड हो गया, उसके बाद नोट, अगर नेगेटिव है तब आपको नेगेटिव दिखा सर, तब नोट को लगाएं हम, नोट लगा दिए। उसके बाद हैव लगाएंगे, बीन लगाएंगे, हैव लगाए, बीन लगाए, नहीं बी डबल इन लिखे हैं, ये ई है से आपको दिखता होगा। ठीक है, अब बीन दे देने के बाद आपको चाहिए एम बी थ्री, मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसमें कौन है मेन वर्ब, लर्नड, 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 ये बी तो बी थ्री है, तो इसी को उठा के लिख दीजिए लर्नड, एल ई ए आर एन टी, लर्नड बाय, लर्न बाय। बाय दे देने के बाद ऑब्जेक्ट आपको खोजेगा, नहीं आप देख सकते हैं। तो जो एक्टिव में सब्जेक्ट रहता है वही आपका पैसिव में ऑब्जेक्ट बनता है। तो यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, तो यू का यू ही रहे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप जरूर देंगे। तो क्या बना, द कंप्यूटर शुड नॉट हैव बीन लर्न बाय यू, नहीं आप ऐसे इसको बना सकते हैं। ठीक है सर, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको एक लाइक जरूर करके हमको मोटिवेट करेंगे। आइए विदाउट टाइम वेस्ट के सर मैं आपको अगला बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर तीन है, आप देख सकते हैं, मोहन शुड नॉट हैव सोल्ड द कार। द कार आपका ऑब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट बनाइए ना, द कार, द कार, सी ए आर, द कार, द कार शुड, एस एच ओ यू एल डी, एस एच ओ यू एल डी, शुड नॉट, नेगेटिव है क्या, नेट खोज रहे हैं, अगर नेगेटिव है तो देंगे, नेगेटिव दिखा सर, नोट को मैं लगाया, नोट लगाएंगे, हैव लगाएंगे, बीन लगाएंगे, नोट लगाएंगे, हैव लगाएंगे, बीन लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, नहीं जो एक्टिव में क्या बोलते हैं, जो एक्टिव में मेन वर्ब है उसको भी थ्री में लगाइए। तो सोल्ड आपका भी थ्री है लगा, तो सोल्ड ही हम लगाएंगे, सोल्ड, सोल्ड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, के बाद आपका बाय लगता है, के बाद आपका बाय लगता है, बाय के बाद आपका ऑब्जेक्ट लगता है। तो जो एक्टिव में सब्जेक्ट रहता है वही ऑब्जेक्ट बनता है पैसिव में, तो आपका है सब्जेक्ट कौन, मोहन, मोहन का, मोहन ही होगा क्योंकि सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस नेम का नहीं बदलता है। ठीक है, मोहन का मोहन ही रहेगा। तो क्या बना, द कार शुड नॉट हैव बीन सोल्ड बाय मोहन। ठीक है, ओ ठीक है सर, आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आपका एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है, ये वीडियो लमसम कितना 25 अप्रैल क्या बोलता है 25 नवंबर को बन रहा है, तभी से जोड़ लीजिए आपका लमसम टू मंथ है, 2 महीना है। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, लगभग 5-6 घंटा प्लस आप पढ़िए, आपका रिजल्ट बेहतर होगा। और जितने सारे पढ़े हैं आप उसका रिविज़न कीजिए, नई चीज़ें सीखने से बेहतर है कि आप जो पुराने चीज़ सीख चुके हैं उसको आप रिविज़न कीजिए, आपका रिजल्ट बेहतर होगा। ठीक है, तो आइए इसका नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। रूल नंबर बी आएगा आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर, नहीं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए सर क्या है, तो सबसे पहले एक्सोलरी वर्ब सबसे पहले आ जाएगा, तो शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेंटेंस के एंड में जो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होगा और जो डब्ल्यू एच का क्वेश्चन होगा सेंटेंस, उसके अंत में डब्ल्यू एच, उसके अंत में आप क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे। ठीक है, तो ये रहा सर इसका एग्जाम्पल, ये सारे एक्टिव में होंगे, ये सी टी आई बी एक्टिव, जो मैं बनाऊंगा वो पैसिव में होगा, पैसिव पी ए डबल एस आई बी, नहीं पैसिव वाइस हम लोग पढ़ रहे हैं तो पैसिव वाइस होगा। कुछ नहीं सर, आप सारे पता होगा कि जो सब्जेक्ट रहता है एक्टिव में वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बनता है, जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट रहता है वो पैसिव में सब्जेक्ट बनता है। तो आइए इसको करते हैं, सबसे पहले आप खोज लेंगे अपने कौन सब्जेक्ट है और कौन ऑब्जेक्ट है। तो शुड, सी, सी आपका सब्जेक्ट है, नॉट हैव एब्यूज्ड यू, मेन वर्ब के तुरंत बाद जो भी वर्ड आएगा आपका ऑब्जेक्ट होगा, तो ये ऑब्जेक्ट है। शुड यू, यू आपका सब्जेक्ट है, हैव बाउट मेन वर्ब है, इसके तुरंत बाद आया ए टिकट, तो ए टिकट आपका ऑब्जेक्ट है।
शुड आई, आई इसका सब्जेक्ट है और शुड हेल्प्ड, हेल्प्ड आपका मेन वर्ब है, लेकिन इसके तुरंत बाद आया आपका अमर, तो अमर आपका ऑब्जेक्ट है। और एक आप बनाएंगे सर, आपके लिए मैं छोड़ूंगा, तो आइए सर इसको बनाते हैं। शुड, सबसे पहले आप सहायक क्रिया मतलब कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले देंगे, लगा हुआ भी है सब में पहले, तो आप इसको लिख देंगे शुड, एस एच ओ यू एल डी, शुड लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट होगा कौन, तो जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट है तो यू, यू का उठा के लाइए ना यहाँ पे, तो वाई ओ यू हो जाएगा। यू के बाद आप नोट देंगे, अगर सेंटेंस में नेगेटिव है तब नोट दिखा सर, मैं नोट को लगाया, नोट लगाएंगे, हैव लगाएंगे, स्ट्रक्चर को देख लेंगे, अपन मन से नहीं लिखेंगे, हैव हो गया, बीन हो गया, बी डबल ई एन, बीन हो गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म आपका दिया गया है अब्यूज्ड, ए बी यू एस ई डी, अब्यूज्ड, उसके बाद चाहिए आपको बाय, नहीं आप बाय दे देने के बाद ऑब्जेक्ट देंगे तो ऑब्जेक्ट बनेगा कौन, तो जो एक्टिव में सब्जेक्ट रहता है, तो सी, सी का हो जाएगा हर, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, तो हर, सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर, और हर का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई, नहीं सी, नहीं, तो शुड यू नॉट हैव बीन अब्यूज्ड बाय हर। क्वेश्चन नंबर दो सर, विदाउट टाइम वेस्ट किए, शुड यू, तो सबसे पहले आपको सहायक क्रिया देना है, एस एच ओ यू एल डी, शुड हो गया, एक्सिलरी वर्ब जिसको हम लोग बोलेंगे, और सब्जेक्ट देना है, तो जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है, तो ए टिकट देना है यहाँ पे, ए टिकट, ए टिकट, टी आई सी के ई टी, टिकट, हैव लगाएंगे, बीन लगाएंगे, अगर नेगेटिव है तो लगाएंगे, नेगेटिव इसमें नहीं है सर, तो हैव लगाएंगे, बीन लगाएंगे, हैव लगाएंगे और बीन लगाएंगे, विदाउट नेगेटिव के आप नोट नहीं लगाना, गलत हो जाएगा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो बाउट है सर, आप देख सकते हैं बी ओ यू, ये बी लिखाए हैं, अच्छा से लिखिए ना सर, स्टूडेंट लोग होंगे, ये सीधा से आइए ना, बी डबल ई एन, बीन, बाउट, बी ओ यू जी एच टी, बाउट, उसके बाद बाय, उसके बाद क्या देंगे बाय, और बाय दे देने के बाद ऑब्जेक्ट देंगे, तो ऑब्जेक्ट बनेगा कौन, तो जो एक्टिव में सब्जेक्ट रहता है, यू का यू ही होगा, यू का क्या होगा, तो यू का यू ही होता है नहीं, अब सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, शुड ए टिकट हैव बीन बाउट बाय यू, कितना सिंपल है, आप इसको इजी मेरे तरह इसको बना सकते हैं, इंग्लिश इज वेरी इजी सब्जेक्ट, बट इसको आप रेगुलरली मेंटेन करके सीखेंगे तब, ठीक है सर, रेगुलर आप आएंगे और रेगुलर पढ़ेंगे, एक घंटा आधा घंटा, ठीक है, जितना भी पढ़े आप रेगुलरली मेंटेन करके पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे तब आपको याद होगा, ऐसे आपको याद नहीं होगा, ठीक है, पढ़ाई रेगुलर खोजता है, रेगुलरिटी खोजता है, अगर आप रेगुलर नहीं रहे पढ़ाई के साथ तो वो भी आपके साथ नहीं रहेगा, कोई भी चीज़ हो आप उसके साथ रेगुलर रहिए, ठीक है, वो आपका हो जाएगा। सही है सर, क्वेश्चन नंबर तीन, शुड, तो सबसे पहले आपको एक्सिलरी वर्ब लगाना है, शुड, एस एच ओ यू एल डी, शुड हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, तो एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होता है अमर, अमर, ए एम ए आर, अमर, उसके बाद अगर नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे, इसमें है क्या, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, हैव लगाएंगे, बीन लगाएंगे, हैव बीन, कितना सिंपल है, देखिए बीन लगाने के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हेल्प्ड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से है सर, और अभी भी हमको देना है एच ई एल पी ई डी, हेल्प, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दे देने के बाद आपको बाय देना चाहिए, खराब है सर, ठीक है, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो एक्टिव में सब्जेक्ट रहता है वही ऑब्जेक्ट बनता है, तो यू होगा ऑब्जेक्ट बनेगा, तो क्या है इसमें सब्जेक्ट तीन में, तो आई, आई का होगा मी, आई का क्या होगा, तो मी होगा, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क इसको जरूर देंगे, ठीक है, नंबर एक दो तीन मैंने बनाया सर, आप क्वेश्चन नंबर चार बना करके हमको कमेंट करेंगे या ऑफलाइन वालों हमको दिखाएंगे, तो आइए सर इसका नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, आइए सर इसका रोल नंबर सी को देखेंगे, रोल नंबर सी देख लेंगे सर, आइए देखिए, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर, आप डब्ल्यू एच वर्ड को डब्ल्यू एच क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं, क्वेश्चन, क्यू यू ई एस टी आई यू एन, ठीक है, आप डब्ल्यू एच वर्ड को डब्ल्यू एच क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं, तो देखिए सर ये रहा इसका स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले आप डब्ल्यू एच वर्ड लगाएंगे, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है, तो ये डब्ल्यू एच जो कि जो वर्ड डब्ल्यू एच से स्टार्ट होता है जिससे कि क्वेश्चन को पूछा जाएगा वो सारे वर्ड क्या होगा, तो डब्ल्यू एच वर्ड, जैसे कि वाट हो गया, वैन हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया, ये सब सारे वर्ड देखेंगे कि आप डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो रहा है नहीं, और इससे क्वेश्चन को भी पूछा जाता है, तो ये सारे क्या हुए डब्ल्यू एच वर्ड हुए,
नहीं आप देख सकते हैं सारे डब्ल्यू एस स्टार्ट है, डब्ल्यू एस स्टार्ट है, डब्ल्यू एस स्टार्ट है, और इसे क्वेश्चन को भी पूछा जाता है। तो ये सारे सेंटेंस एक्टिव में है, ए सी टी आई भी एक्टिव में है, और पैसिव में हम लोग को बनाने के लिए बोल रहे हैं पैसिव। हम लिख देते सर, ठीक है, आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करने देंगे, सारा काम आपके लिए हम कर देंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं सर, आप जानते हैं कि एक्टिव में जो सब्जेक्ट रहता है उसको ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको सब्जेक्ट। तो वाई शुड यू, यू आपका सब्जेक्ट है, हैव प्लेड मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका जो भी आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। आप ये दो काम आप कर लेंगे ना। व्हेन शुड आई, देखिए आई इसमें सब्जेक्ट है, और हैव टाउट, टाउट मेन वर्ब है, इसको तुरंत बाद सीता आया, सीता इसका ऑब्जेक्ट है। फिर देखिए, ये तो आपके लिए मैं छोड़ूंगा, हर एक स्लाइड में मैं आपको छोड़ता हूँ, इसको आप बनाएंगे, ठीक है। तो बनाइए सर, सारे आप डब्ल्यू एच वर्ड को सबसे पहले लगाएंगे, और पहले से लगा हुआ भी है तो वाई लगाएंगे आप। एक नंबर आप बनाएंगे तो वाई होगा, वाई के वर्ड का आप क्या लगाएंगे तो सूट लगाएंगे। आप स्ट्रक्चर का नियम देखेंगे, सूट लगाएंगे, सूट एस एच ओ यू एल डी सूट लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट होगा कौन, तो जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है वही ना सब्जेक्ट होता है। क्रिकेट आएगा यहाँ पे, क्रिकेट सी आर आई सी के ई टी, क्रिकेट के बाद क्या लगेगा नोट, अगर नेगेटिव है तब लगाएंगे, अन्यथा उसको अपन मन से नहीं लगाना है। नोट नहीं है, नहीं लगाए, हैव लगाएंगे, बीन लगाएंगे, हैव लगाएंगे और बीन लगाएंगे, बी डबल ई एन बीन लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो प्लेड तो है ही पहले से थर्ड फॉर्म, इसको हम उतार देंगे पी एल ए वाई ई डी, पी एल ए वाई ई डी प्लेड, और बाय प्लेड बाय, बाय यहाँ पे लिए हैं सर। उसके बाद आपको चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट होगा कौन, तो जो एक्टिव में सब्जेक्ट रहता है यू, यू का यू ही होगा, क्योंकि यू का सब्जेक्ट भी केस और ऑब्जेक्ट भी केस दोनों सेम होता है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप लगाना नहीं भूलेंगे, डब्ल्यू एच का जो डब्ल्यू एच वर्ड का जो सेंटेंस होगा उसके लास्ट में आप एंड में डब्ल्यू एच क्वेश्चन को आप जरूर लगाएंगे, तब सही होगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर दो देखेंगे सर, ठीक है। वैन, तो सबसे पहले आप डब्ल्यू एच वर्ड को लगाएंगे, वैन लगा है पहले से, अब भी लगा देंगे, वैन लगाएंगे। उसके बाद सूट चाहिए आपको, ऐसा सो यू एल डी, कितना सिंपल है, आप लगाइते चाहिए, सूट हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट होगा कौन, तो जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट है सीता, एस आई टी ए, एस आई टी ए सीता हो गया। उसके बाद नोट लगाएंगे, अगर नेगेटिव रहा तब, तो इसमें नेगेटिव नहीं है, नोट को नहीं लगाए, हैव लगाएंगे, हैव लगा दिए। उसके बाद बीन लगाना है आपको, बी डबल ई एन बीन। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं, आप स्ट्रक्चर को देख लेंगे, तो मेन वर्ब कहाँ है इसका, टाउट है, ये बी थ्री में है ऑलरेडी, तो आप उसको लगा देंगे टाउट, टी ए यू जी एस टी, टाउट बाय, टाउट बाय, नहीं बाय दे देने के बाद आपको ऑब्जेक्ट खोज रहा है, तो ऑब्जेक्ट हम इधर आ जाते हैं सर, ऑब्जेक्ट दे देते हैं, ऑब्जेक्ट देना है आपको, तो ऑब्जेक्ट होगा कौन, तो जो एक्टिव में सब्जेक्ट रहता है ना आई, आई का हो जाएगा मी, आई का क्या हो जाएगा मी, यही लिख देते हैं, आई का क्या हो जाएगा तो मी हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप जरूर देंगे सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक दो बनाया सर, क्वेश्चन नंबर आप तीन बना करके हमको जरूर दिखाएंगे, ठीक है। बहुत ईजी है, कुछ नहीं सर, हम जैसे जैसे आपको बताएं बस, आपको वैसे सीखना था, आप सारे सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा सर तो आप इसको एक लाइक आप जरूर करेंगे। आई होप सर जितना मैंने आपको बताया सारे समझ आया होगा, अगर समझ आया तो इसको छोटे भाइयों के साथ शेयर कीजिए, और एक दो बार आप इसको लिखेंगे सर और रिवाइज करेंगे तब आपको याद रहेगा, अगर अभी से आप नहीं देखेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे वीडियो नंबर 6 में, तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए सर, तो लव यू ऑल सर, जय हिंद जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।